राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली के आजाद मार्केट में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई है और इस मलबे में 6 से 7 मजदूरों की दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर यहां पर सामने आ रही है। मौके पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन ये बड़ा हादसा दिल्ली में घटित हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग यहां पर गिर गई है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अब भी आशंका यहां पर जताई जा रही है कि मलबे में 6 से 7 मजदूर दबे हुए हैं। इसकी आशंका यहां पर लगातार जताई जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चल रहा है, राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी यहां पर जुटे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जो लोग यहां पर मलबे में दबे हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के आजाद मार्केट की ये तस्वीर है जहां पर एक निर्माणाधीन इमारत गिर गई है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 6 से 7 लोग मलबे में दबे होने की सूचना भी यहां पर मिल रही है और जिन्हें निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है। सर ये बराबर में स्कूल भी है? ये बराबर में आगे स्कूल भी है, इसके अंदर बच्चे जा रहे थे। ये सुबह 8:05 की घटना है ये, और ये नहीं पता कौन कौन हो सकता है इसके अंदर। इसमें काफी आदमी दबे हुए भी हैं और ये मजदूर भी थे। और ये क्या तीन जनों को निकाल दिया, हॉस्पिटल भेज दिया 3 जनों को। उनकी हालत जरा, कितने जनों को निकाला? 3 जनों को निकाला है। उनकी हालत कैसी है? उनकी हालत हॉस्पिटल गए हुए, बेहतर है उनकी हालत। बाकी और कितने लोग? बाकी और को पता नहीं है, अभी रेस्क्यू चल रहा है। 6 से 7 आदमी जो लेबर आदमी चला रहे थे, लेकिन चिंताजनक की बात है। स्कूल बराबर में, चिंताजनक की बात है, स्कूल बराबर में बच्चे भी थे। अभी उसके बाद ही जब ये घटना सारी सिमटेगी उसके बाद पता चलेगा कौन कौन हो सकते हैं।